हे गुड मॉर्निंग पीपल, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज है जी हमारा डे 4 और अभी है मुन्नार में, मॉर्निंग का वक्त हो रहा है और अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। मैं आपको व्यू बताना चाहता हूँ कैसा है यहाँ का। ये कविता व्यू को एंजॉय करते हुए, इट्स अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल सा व्यू है। अब ये देखिए आप, ये टेरेस पे खड़े हम होटल के और सामने देखिए टी गार्डन, कारपेट बिछा हुआ है। मतलब एक्चुअल में ऐसा फील हो रहा है जैसे कारपेट है। मतलब जितना कैमरा नहीं बता पाएगा जितना ये दिखने में इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने, और ऐसे रोड आता हुआ, ये देखिए अमेजिंग व्यू है इस रिजॉर्ट का। और सामने होता है सनराइज, और मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा बेहतरीन। जहाँ नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। हमने अलग अलग व्यूज़ में होटल में रहे हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू। और ये है इनका सीक्रेट गार्डन। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए और जा रहे हैं रेस्टोरेंट। तो गाइस ये आ गया ब्रेकफास्ट, वही सेम ब्रेकफास्ट, इडली उत्तपम वर्मिसली, यहाँ का अच्छा होता है वो खा रहा हूँ, सांभर कोकोनट चटनी। और ये है यहाँ का व्यू। तो चलिए ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर चेकआउट करते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं थिएटर के लिए। तो गाइस कैब आ चुकी है और इसमें हम चलने वाले हैं। इसमें हम रेडी हैं चलने के लिए। कविता पीछे बैठ गई है, चलिए चलते हैं। तो गाइस मुन्नार से ठेकड़ी के बीच रास्ते में हम रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा वाटरफॉल है, छोटा वाटरफॉल है बट दिखाते हैं आपको। ये देखिए का व्यू है इधर से। बेहतरीन। तो गाइस ठेकड़ी पहुंच चुके हैं, टाइम हो गया है 1:30। हम निकले थे 10 बजे, हमको ऑलमोस्ट टाइम लग गया 3.5 घंटे। और अभी हम कर रहे हैं चेक इन होटल में सर्वर पोर्टल। नमस्कार, ये है होटल। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ यहाँ से पहले। दिस इज द व्यू। चलिए पहले चेक इन करते हैं उसके बाद फिर आगे बनाते हैं वीडियो। तो गाइज रूम पे मैंने चेक इन कर लिया, आपको थोड़ा रूम का व्यू बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। और जो बेहतरीन व्यू, आपने मेरे होटल से ना अभी तक वैली व्यू देखे होंगे, ये भी इस तरह का वैली व्यू है बट ये कुछ अलग है। ये देखिए, ओहो ओहो, मतलब ये ऐसा है कि यहाँ पे रह के आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि भाई आप ठेकड़ी में जाके घूमो, क्योंकि इतना अच्छा, इतनी शांति है ना यहाँ पे। मतलब ये देखो पीछे दरवाज़ा बंद हुआ ना, उसकी भी आवाज़ ऐसे गूंज गई है यहाँ पे, बड़ा ही मज़ेदार है। चलो अभी, बट घूमना भी ज़रूरी है क्योंकि ठेकड़ी में आपको दिखाना भी है कि ठेकड़ी कैसा है।
तो बस अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसके बाद निकलते हैं थेगड़ी घूमने के लिए। चलिए आगे दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आज शाम को। वैसे थेगड़ी का मेरे को पता चला है कि यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे ऑलमोस्ट सब बंद हो जाता है, तो आपको होटल आना पड़ता है। तो टाइम हो रहा है 2 और हम लोग 2-3 घंटे का हमारे पास टाइम है। 2-3 घंटे में जो भी है कंप्लीट करके हम आते हैं वापस रूम पे और आपको अभी आगे दिखाते हैं क्या क्या देखते हैं। चलिए